दरअसल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कार्यक्रम में एक कथा सुना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि एक बार मेरी फोन कॉल पर रावण से बात हुई थी। वह आगे कहते हैं कि ये मत पूछना कि नंबर क्या था। अब बात हुई तो हुई डॉट। उन्होंने आगे कहा, हमने पूछा दशानन जी माई डियर कैसे हो, तब उन्होंने कहा हालो बागेश्वर वाले बोल रहे हो, फिर हमने कहा हाँ, फिर हमने कहा कि कहाँ हो भैया, कैसे हो, हमने बुंदेली में बात की, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की, बोले हम तो ठीक हैं भैया। हद तो यह हो गई कि साउंड में फटरफटर हो गया। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस कथा का वीडियो क्लिप ट्विटर पर बड़ा वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर खूब चटखारे मार रहे हैं। एक यूजर ने कहा, यह इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरे ने कहा, ये तो रॉन्ग नंबर है। फिर एक ने कहा, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, जनता भी उन्हें सुनती रहती है, इसी चीज से इनका धंधा चलता है। कथा सुनना ही है तो कुछ काम की और ज्ञान की बातें कहो। वैसे बता दे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आए हो। इसके पहले उन्होंने कहा था, जब सनातनियों के पास पूजा करने के लिए 33 कोटि देवी देवता हैं, तब चांद मियां को पूजने की क्या आवश्यकता है। भगवान राम दुनिया में सबसे अधिक पूजनीय है, वे जगत के पिता है, जो उनका नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कई चीजों को लेकर वे चर्चा में आ चुके हैं। एक बार हमारी रामर से बात हुई, बात फोन कॉल पर, अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो, उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे, हमका जी, हमका कहो भैया कैसे हो, हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की, हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौसम बोल रहे का,